हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नॉन टेक टेक विथ SNY में। मैं प्रेमवती यादव, आज हम होम्योपैथी मेडिसिन सिनकोना ऑफिस नेलिस के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे हम यूजली चाइना के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब हम इस मेडिसिन के डिटेल्स देखते हैं। तो ये होम्योपैथी की पहली मेडिसिन है। इसकी प्रूविंग हमारे डॉक्टर हैनमन ने की थी। डॉक्टर हैनमन एलोपैथिक डॉक्टर थे। ठीक है, उनको 10 साल हो गए थे एलोपैथी में प्रैक्टिस करते हुए, बट वो एलोपैथी ट्रीटमेंट से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट थे, क्योंकि उस समय जो ट्रीटमेंट करने का तरीका था वो बहुत ज़्यादा क्रूड था, इनह्यूमन था, हार्मफुल था। इस वजह से उन्होंने अपनी प्रैक्टिस बीच में ही स्टॉप कर दी। उसके बाद उन्हें बहुत सारे लैंग्वेज का नॉलेज था, तो उनने बुक को एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करने लगे। ठीक है, जब वो ऐसा कर रहे थे तो उनका ध्यान एक रिमार्क पर गया, जहाँ पे लिखा था कि सिनकोना बार्क में बिटर टेस्ट की वजह से मलेरिया को ठीक करने का पावर होता है, और अगर कोई पर्सन हेल्दी है तो उसमें ऐसे मलेरिया लाइक सिम्टम लाने की भी पावर होती है। ठीक है, तो वो इस रिमार्क से सेटिस्फाइड नहीं थे, तो उन्होंने सिनकोना बार्क का कुछ जूस अपने ऊपर अप्लाई किया। उनने लिया कुछ डोजेस, 2-3 दिन तक लिए, उसके बाद वो सिक हो गए, उन्हें मलेरिया के सिम्टम्स मिले। उसके बाद उनने ये देखा कि जिनको मलेरिया था, अब उनको ये मेडिसिन दी उनने, तो उसमें मलेरिया ठीक हो गया। उसके बाद वो अपने फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स में सिनकोना बार्क दे दिए, तो उनको ये मिलता है कि जिनमें मलेरिया था उनमें ठीक हो गया, और जो हेल्दी पर्सन थे उनमें मलेरिया के सिम्टम्स आ गए। इस तरह से उनको ट्रस्ट हो गया और हमारे होम्योपैथी की खोज हुई। जिस तरह से न्यूटन के लिए एप्पल था, उस तरह डॉक्टर हैनमन के लिए सिनकोना बार्क था। ठीक है, अब हम इसके कॉमन नेम की बात करते हैं, तो क्या है? पेरूवियन बार्क चाइना। इसके प्रूवर हैं डॉक्टर हैनमन। ये रूबिएसी फैमिली की मेडिसिन है। हम इसके स्फीयर ऑफ एक्शन की बात करते हैं, तो इसका बहुत अच्छा एक्शन हमें ब्लड में, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में, GIT, लीवर, स्प्लीन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन में, नर्वस सिस्टम में, ब्रेन एंड माइंड में देखने को मिलता है। हम कह सकते हैं कि इसका हमारी पूरी बॉडी में इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, ये हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन में, हर एक सिस्टम पे एक्ट करती है। अब हम इसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो इसमें पम्प्ड आउट या ब्रोकन डाउन कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर PC पॉल, जो कि कलकत्ता के थे, उनके अकॉर्डिंग पम्प्ड आउट कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है। ठीक है, और ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन हुआ क्यों? एग्जॉशन की वजह से। और एग्जॉशन क्यों हुआ? अगर किसी पर्सन में एक्सेसिव वाइटल फ्लूइड का लॉस हो गया है, तब हमें ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम इसके मेकअप ऑफ द बॉडी की बात करते हैं, तो इसका पर्सन कैसा होता है? पहले तो रोबस्ट, मतलब क्या हुआ, हेल्दी, स्ट्रांग होता है, स्टाउट, स्वार्थी पर्सन होता है। बट अगर इसमें लैक ऑफ वाइटल हीट हो गए हो, जैसे हीमोरेज की वजह से, डायरिया, सुपुरेशन, लैक्टेशन, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई है, ठीक है, डायरिया भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा, बहुत ज़्यादा पस फॉर्म हो गया है, मदर मिल्क भी मेमरी ग्लैंड से बहुत ज़्यादा बन रहा है, तब हमें पर्सन में क्या हुआ, वाइटल फ्लूइड की कमी देखने को मिली। इसकी वजह से पर्सन क्या होगा, एग्जॉस्टेड एंड डेबलेटेड देखने को मिलेगा, वीक हो जाएगा। ठीक है, जबकि पहले कैसा था, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। अब हम इसके टेम्परामेंट की बात करते हैं, तो इसमें हमें नर्वस टेम्परामेंट देखने को मिलता है। सोरा मियाज की मेडिसिन है ये। हीमोरेजिक डायथिसिस देखने को मिलती है। मींस क्या होगा हमें, कि जितने भी ओरिफिसेस हैं हमारी बॉडी में, हर जगह से ब्लीडिंग दिखेगी हमें। ठीक है, जैसे नोज हो गया, माउथ हो गया। अब हम इसके गाइडिंग सिम्टम्स को इसके नाम से याद करने की कोशिश करेंगे। इसका नाम क्या है? सिनकोना ऑफिस नेलिस। तो ये सिनकोना का है। इसका पर्सन कैसा होगा? चिली पेशेंट। आई नो ये आपको बहुत सिली सा लग रहा होगा, बट ये हमें कॉम्पिटिशन में या जब हम एग्ज़ाम में जाते हैं, तो अगर हम इसके नाम से रिमेम्बर करेंगे अभी, तो हमें ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम टाइम पे क्लिक होंगी, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ ध्यान दे के पढ़िएगा। इसका पर्सन जो होगा चिली पेशेंट होगा। इसमें हमें इंटरमिटेंट फीवर देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कि इसका बहुत कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, इंटरमिटेंट फीवर। और इसमें क्या देखने को मिलेगी? नो डिज़ायर फॉर ईट या ड्रिंकिंग। ओके,
कैनाइन हंगर देखने को मिलेगा पर्सन में विदाउट एनी स्पेशल डिजायर टू ईट। जब पर्सन बहुत ज़्यादा भूखा है तब हमें यह देखने को मिलेगा कि ऐसा नहीं है कि पर्सन किसी स्पेशल चीज़ के लिए, जैसे मान लीजिए कोई पर्सन होता है तो वो सोच चाहता है कि हाँ मुझे मीठा ही मिले, या कुछ लोग होते हैं जो तीखा ही चाहते हैं, बट इसमें ऐसा हमें देखने को नहीं मिलेगा, इसमें कोई स्पेशल डिज़ायर नहीं होती है पर्सन में, ठीक है। इसमें हीमोरेजिक डायथेसिस देखने को मिलती है, हमने पहले ही बात की, तो कोई भी ऑरिफिसेस हो बॉडी के वहाँ से हमें ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है, ठीक है। एंड हैज़ नो डिज़ायर टू लाइव बट लैक ऑफ करेज की वजह से सुसाइड अटेम्प्ट नहीं करता है और ये जीना भी नहीं चाहता है। इसका एक प्रोमिनेंट फीचर क्या है, एक्सेसिव इरिटेबिलिटी एंड सेंसिटिवनेस ऑफ नर्वस सिस्टम, हमें बहुत ज़्यादा इरिटेशन एंड सेंसिटिव मिलेगा इसका नर्वस सिस्टम, ठीक है। नॉकटर्नल डायरिया देखने को मिलेगी विथ डेबिलिटेटिंग स्वेट के साथ। नॉकटर्नल डायरिया मतलब क्या हुआ, जब पर्सन सो रहा था तब उसमें डायरिया हो गया हो, और इसमें जो डायरिया होगा ना वो भी पेनलेस देखने को मिलता है, ये भी बहुत कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, याद रखिएगा, पेनलेस नॉकटर्नल डायरिया, और ये केवल हमें चाइना में मिलता है, ये कॉम्पिटिशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, ठीक है, बहुत बार पूछा भी गया, आगे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इसमें एवर्जन देखने को मिलेगा हमें पर्सन में एक्सरसाइज से, इसका पर्सन अपैथेटिक होगा, एब्डोमन जो होगा ना सोर एंड टेंडर फील होगा, ओके। ऑरिफिसेस सिंकोना ऑफिस नेलिस, सॉरी तो ये ऑफिस नेलिस है तो हम देखते हैं। एडिमा देखने को मिलेगा या ड्रॉपसी, मतलब क्या हो गया, एक्स्ट्रा फ्लूड है बॉडी के किसी पार्ट में, मतलब लोकल या पूरी बॉडी में, मतलब जनरलाइज्ड एडिमा देखने को मिल सकता है हमें। ये किसकी वजह से देखने को मिल रहा है, एनीमिया हो पर्सन को या वाइटल फ्लूड का लॉस हो गया हो, हीमोरेज हो की वजह से हमें एडिमा देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब हम इसके फेस की बात करें तो इसका फेस कैसा होगा, पेल प्रेजेंटेशन हमें देखने को मिलेगा, और उसके एक्सप्रेशन कैसे होंगे, हिपोक्रेटिक, जिसे कुछ लोगों में कोई एक्सप्रेशन ही नहीं होते उसे हम हिपोक्रेटिक बोलते हैं, ठीक है। आईज जो होंगी ना सनकेन, मतलब धसी धसी सी देखने को मिलेंगी, उसके सराउंडिंग हमें डार्क रिंग देखने को मिलेगा। फीवर में पेरियोडिसिटी जो है ना वेल मार्क्ड है फीवर के समय में, इस सिम्टम को याद रखिएगा, एक इंटरमिटेंट फीवर एंड पेरियोडिसिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें माइंड में इतने ज़्यादा आइडियाज़ हो जाते हैं, मतलब बातें इतनी ज़्यादा घूमने लगती हैं कि ये सो नहीं पाता, ठीक है, आइडियाज़ की वजह से, मतलब इतनी ज़्यादा बातें गूंज रही हैं इसके दिमाग में कि ये सो नहीं पा रहा, ठीक है। और ये हमें बात बात में गुस्सा होने वाली प्रवृत्ति का भी पर्सन रहता है, मतलब हमेशा चिड़चिड़ाहट गुस्सा देखने को हमें इसमें मिलेगा, ठीक है। इन सारे सिम्टम्स के साथ हमें कफ भी देखने को मिलेगा, और कफ ज़्यादा कब देखने को मिलेगा, जब वो बात कर रहा हो या हंस रहा हो, उस समय कफ क्या होगा, एग्रावेट हो जाएगा। इंटेंस थ्रोबिंग देखने को मिलेगी हमें हेड में एंड कैरोटिड्स में, ये भी याद रखिएगा, बहुत अच्छा सिम्टम है ये। अब हम ऑफिस से नेलिस होता है तो ये नेलिस है, ठीक है। तो एम से क्या है, न्यूरेलजिक पेन देखने को मिलता है, जो कि चाइना से ठीक हो जाता है, चाइना मेडिसिन है, ठीक है। आफ्टर क्लाइमेट्रिक एज मीन्स क्या है कि जैसे आफ्टर मीनोपॉज, मतलब जब मेंसेस आने बंद हो जाते हैं उसके बाद इसमें हमें इस वुमेन में क्या देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा हीमोरेज, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, तब हम इस मेडिसिन को सोच सकते हैं, आफ्टर क्लाइमेक्टिक एज प्रोफ्यूज हीमोरेज, ठीक है। लॉस ऑफ वाइटल फ्लूड की वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, एग्जॉशन एंड डेबिलिटी, हमने पहले ही बात की कि वाइटल फ्लूड या तो डायरिया की वजह से, एक्सेसिव लैक्टेशन की वजह से, वोमिटिंग की वजह से, हेमोरेज की वजह से देखने को मिल सकता है। इसकी वजह से पर्सन कैसा हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा और डिब्लिटेड होगा, ठीक है। इनसोमिया देखने को मिलता है हमें हेमरेज के बाद, अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई है तो पर्सन को नींद नहीं आ रही है तो ये सिम्टम हमें देखने को मिलता है। सेकिंग चिल ऑल ओवर द बॉडी, मतलब कपकपाहट के साथ ठंड इसकी पूरी बॉडी में लगेगी, ये इसका बहुत अच्छा सिम्टम है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। अब हम इसके डिज़ायर की बात कर लें तो इसमें हमें सोर थिंग, सोर फ्रूट्स मतलब खट्टे फल, वाइन, कोल्ड थिंग, कॉफ़ी, हाईली सीजन फूड की इसको डिज़ायर देखने को मिलती है। और इसका पर्सन जो होता है ना, ब्रेड, मीट, फैटी थिंग्स, वार्म फूड और एक्सरसाइज से इसमें हमें क्या देखने को मिलेंगे, प्रॉब्लम बढ़ते हुए, मतलब एग्रावेशन या एवर्जन देखने को मिलेगा हमें, ठीक है। और उसमें हमें और क्या देखने को मिलता है, स्लाइट टच से इसका पेन क्या होता है, बढ़ जाता है, बट इसमें हमें प्रेशर से अच्छा लगता है। अब हम इसके माइंड की बात करते हैं, इसके माइंड में हम पहले हिंदी में समझते हैं उसके बाद मैं इंग्लिश में आपको बता दूंगी।
इसके पर्सन को आप इमेजिन कीजिए, कोई चुप्पा पर्सन है, ठीक है, मतलब वो चुपचाप एक कोने में बैठा हुआ, तो कैसा रहता है यूजली, बहुत ज़्यादा क्रोधी, मतलब गुस्से में, चिड़चिड़ा, ठीक है, उदास, या किसी चीज़ से हार गया, हताश टाइप का बैठा हुआ दिखने को मिलेगा, मतलब अपैथेटिक, इनडिफरेंट, टैकिटन, ग्लूमी, इल ह्यूमर एंड डिस्पोंडेंट, मतलब हारा हुआ, चिड़चिड़ाया, थका, उदासीन टाइप का पर्सन, ठीक है। और इसमें हमें क्या देखने को मिलेगी, इसको जिंदा रहने की भी कोई डिजायर नहीं है, बट ये सुसाइड कमिट नहीं करता, क्योंकि इसमें करेज की हमें कमी दिखाई दे मिलेगी, ठीक है। इसमें इंक्रीज इरिटेबिलिटी देखने को मिलती है, नर्व्स में बहुत ज़्यादा इरिटेबल नर्व्स होते हैं, ये बॉडली एंड मेंटल वर्क नहीं करता, डिसलाइक देखने को मिलता है। और उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है इस पर्सन में, एक और चीज़ है, इसको ऐसा लगता है या तो दुर्भाग्यवश या विचार से इसको क्या किया जा रहा, सबके द्वारा इसका अपोज किया जा रहा है, इसे ऐसा लगता है, मीन्स क्या है, ही थिंक हिमसेल्फ अनफॉर्चुनेट एंड फैंसीज ही इज अपोज्ड एंड टॉर्मेंटेड बाई एवरीबडी, इसको ऐसा लगने लगता है कि या तो दुर्भाग्य से या तो कोई प्लान करके इसे क्या करना चाह रहा है, अपोज करना चाह रहा है, नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, इसको ऐसा फीलिंग आता है। और इसमें हमें सडन लॉस ऑफ थॉट्स देखने को मिलते हैं, इसका पर्सन तुरंत रोने लगता है, और इसमें जितनी चीज़ें हैं माइंड में इतनी ज़्यादा चलने लगती है कि उसके बाद हमें नींद नहीं आती, इसके पर्सन में इंसोमिया देखने को मिलता है, ठीक है। एक्सरसाइज से प्रॉब्लम देखने को मिलती है, इसके पर्सन में डॉग से, एनिमल से डर मिलता है, स्पेशली ऐसा हमें रात के समय देखने को मिलता है। इसका पर्सन कैसा होता है, हमेशा झगड़ालू टाइप का होता है, डिस्पोज टू क्वारलसम, झगड़ालू टाइप के लोग होते हैं ना वैसा, इनक्लीन टू बी एंग्री, हमेशा गुस्से में रहेगा, ठीक है, उसकी प्रवृत्ति है गुस्सा हो जाने की, वैसा पर्सन देखने को मिलता है, ठीक है। इन सब का कॉज क्या हो सकता है, एग्जॉशन की वजह से हो सकता है, लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड की वजह से देखने को मिल सकता है, जैसे अगर एक्सेसिव हीमोरेज हो गया हो, एक्सेसिव लैक्टेशन, डायरिया की वजह से ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है। अगर किसी पर्सन ने चाय पी ली हो उसके बाद हमें देखने को मिल सकता है, क्विनिन की वजह से अगर ज़्यादा यूज कर लिया हो, मेंटल इमोशंस की वजह से, ड्रॉट ऑफ एयर मतलब क्या होता है, हवा की झोंका की वजह से, फ्रूट्स की वजह से, या सेक्सुअल एक्सेस हो, या पर्सन काफ़ी टाइम से सोया ना हो, उस वजह से हमें उसके मेंटल सिम्टम्स एग्रावेट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसका सेकेंड पार्ट हम अपलोड करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी मेडिसिन है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।